नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अब ये बात सभी को पता है कि सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं, 1985 बैच के अधिकारी हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं। लेकिन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है। शायद ये कहानी उन्हीं लोगों को मालूम हो जिन्होंने कि 90 के दशक में या फिर इस सदी की शुरुआत में मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग की हो। सुबोध जायसवाल की ये कहानी शुरू होती है इस जगह से जहां मैं खड़ा हूं, मुंबई पुलिस मुख्यालय से। और ये इमारत है क्राइम ब्रांच का दफ्तर, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का दफ्तर। साल 2003 एक ऐसा साल था जब इस इमारत में मौजूद हर आला अधिकारी, लगभग सभी आला अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जॉइंट कमिश्नर क्राइम, डीसीपी डिटेक्शन और क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर्स थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और बगल में ही ये जो दूसरी इमारत है, इस इमारत में बैठते थे मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर, उन पुलिस कमिश्नर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये सारी गिरफ्तारियां हुई थी करोड़ों के तेलगी स्कैम में। वो तेलगी स्कैम जिसकी जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के एक अहम सदस्य थे सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि उस वक्त डीआईजी रैंक के अधिकारी थे। तेलगी स्कैम का किंगपिन था अब्दुल करीम तेलगी नाम का एक शख्स, जो कि फर्जी स्टैम्प पेपर छापकर करोड़ों का मालिक बन बैठा था। और उसका ये रैकेट महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चलता था। और इस रैकेट की वजह से तेलगी की इतनी कमाई हो जाती थी कि उसने एक रात में मुंबई के एक डांस बार में एक डांसर के ऊपर 90 लाख रुपए तक लुटा दिए थे। जब इस रैकेट का खुलासा हुआ तो जिन जिन राज्यों में तेलगी का ये काम चलता था, उन सभी राज्यों की पुलिस ने एक एक करके तेलगी की कस्टडी हासिल की। और जब महाराष्ट्र पुलिस के हाथों तेलगी लगा तो उसके लिए तेलगी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुआ। तेलगी को गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने हिरासत में उसे सुख सुविधाएं देने के लिए या फिर इस तरह से ब्लैकमेल करते हुए कि अगर हमें पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे घर वालों को भी हम आरोपी बना लेंगे, ये कहते हुए उससे काफी बड़ी रकम वसूल कर ली। और इस रिश्वतखोरी का खुलासा सुबोध जायसवाल ने किया। जब एक एडिशनल कमिश्नर ने, पुणे के एक एडिशनल कमिश्नर ने जब अपने पुलिस कमिश्नर की शिकायत करते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी को खत लिखा तो उसके बाद इंक्वायरी के आदेश दिए गए और दो तरह की रिपोर्ट्स सौंपी गई सुबोध कुमार जायसवाल की ओर से, जिसमें उन्होंने बिना डरे या बिना किसी दबाव के महाराष्ट्र पुलिस के कई अधिकारियों के नाम सामने रखे कि किस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे और तेलगी से वसूली कर रहे थे। सुबोध कुमार जायसवाल की इन रिपोर्ट्स के बाद महाराष्ट्र में काफी हंगामा हुआ। और इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित की। और ये एसआईटी गठित की गई एसएस पुरी नाम के एक रिटायर्ड डीजी रैंक के अधिकारी के अधीन, और सुबोध कुमार जायसवाल इस एसआईटी के सदस्य बने। और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक इस पूरे घोटाले में गिरफ्तार किए गए। इन गिरफ्तारियों के बाद सुबोध कुमार जायसवाल पुलिस वालों के बीच एक विलेन बन गए। उन पर ताना कसा जाने लगा कि खुद एक पुलिस अधिकारी होते हुए भी वे दूसरे पुलिस अधिकारियों का करियर बर्बाद कर रहे थे। एक तरह से पुलिस महकमे में उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया। जो साथी आईपीएस अधिकारी थे, दूसरे जो पुलिस अधिकारी थे, वो उनसे उन्होंने बोलचाल करना बंद कर दिया। अपने घर के जो कार्यक्रम फंक्शंस वगैरह होते थे उसमें बुलाना उन्हें बंद कर दिया गया। और सुबोध जायसवाल एकदम अकेले पड़ गए। सुबोध जायसवाल अकेले तो पड़ गए लेकिन विचलित नहीं हुए और दबाव में नहीं आए। उनके हाथ तत्कालीन एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के गले तक पहुंच रहे थे। लेकिन इस बीच साल 2004 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया। वाजपेयी की एनडीए सरकार की जगह मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार आ गई और एसआईटी से जांच छीनकर सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई और आगे की गिरफ्तारियां नहीं हो पाई। सुबोध जायसवाल की इमेज एक सख्त, ईमानदार और नियमों के मुताबिक चलने वाले अधिकारी की रही है। वो इतना ज्यादा अनुशासन परस्त थे कि कई बार अगर वो देखते थे कि उनके सीनियर अधिकारी ने अगर यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी है तो वहीं पर
उनको टोक देते थे और कहते थे सर आपने यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी है। जायसवाल ने खुद को अपने पुलिसिया करियर के दौरान काफी लो प्रोफाइल रखा, वो पत्रकारों से नहीं मिलते थे, ना किसी को इंटरव्यू देते थे। तेलगी स्कैम कवर करने वाले मेरे एक पत्रकार मित्र हैं संजय सिंह, उन्होंने ये किताब लिखी है तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी। इसमें एक पूरा चैप्टर उन्होंने सुबोध जायसवाल के ऊपर लिखा है और जायसवाल के व्यक्तित्व के बारे में वो लिखते हैं। वैसे जायसवाल से मिलने के बाद मैंने भी निष्कर्ष निकाला कि वह अव्वल दर्जे का रूखा अड़ियल और जिद्दी इंसान था। पुलिस डिपार्टमेंट में 17-18 साल की नौकरी के बाद भी मीडिया से इतने रूखे तरीके से पेश आने वाली अधिकारी के बारे में यही कहा जा सकता है। सुबोध जायसवाल की राजनेताओं से कभी नहीं जमी और ना ही उन्होंने कभी राजनेताओं की चाटुकारिता की, और ये इसी का नतीजा था कि उनके पुलिसिया करियर में उनकी ज्यादातर पोस्टिंग ऐसे ठिकानों पर हुई जो कि पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती रही है, जैसे कि उन्हें SRP में भेज दिया गया या फिर नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में उनकी पोस्टिंग की गई। महाराष्ट्र पुलिस में पोस्टिंग के अलावा वो रॉ में भी काम कर चुके हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए SPG में भी काम कर चुके हैं। बहुत ही थोड़े से वक्त के लिए सुबोध जायसवाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने और उसके बाद महाराष्ट्र के DGP, लेकिन DGP पद पर वे ज्यादा दिनों तक बने रही रह सके। इसके पीछे कारण था ठाकरे सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग्स को लेकर डाला जाने वाला दबाव। कई ऐसी ट्रांसफर पोस्टिंग्स थी जो जायसवाल के मुताबिक कानूनन फिट नहीं बैठती थी और वे उसका विरोध कर रहे थे, और फिर आखिर में उन्होंने सेंट्रल में अपना डेपुटेशन मांग लिया और CISF के प्रमुख के तौर पर चले गए। अब यहां ये देखना दिलचस्प होगा, चूंकि वो CBI प्रमुख बन चुके हैं, तो उस CBI जांच का क्या होता है जो कि शुरू हुई थी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लिखे गए एक खत से, जिसमें परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की थी। अनिल देशमुख सुबोध जायसवाल के पूर्व बॉस रह चुके हैं। साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पिंजरे का वो तोता क्या अब आजाद होता है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी वक्त में टिप्पणी की थी।